हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मालपुआ की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान और झटपट बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप मैदा। इसी में मैं डाल रही हूँ 1 कप सूजी। इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप चीनी। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हल्का गरम दूध डालेंगे इसमें। ध्यान रहे कि दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इकट्ठे नहीं डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए, हमारा जो बैटर है वो तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी रहनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। देखिए, इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। बैटर तैयार है, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रखें, फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रहना चाहिए। इसे अच्छी तरह से पका लें ताकि ये कच्चा ना रहे। अच्छी तरह से पक चुका है, चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसी तरीके से सारे मालपुओं को फ्राई कर लेते हैं। मालपुए बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलती हूँ मैं आपसे एक और रेसिपी के साथ।